बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जिन लोगों का जन्मदिन 30 सितंबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन और करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी, संपत्ति लाभ के और स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं, लेकिन अभी भी शादी होने में विलंब होगा, विवाह के मामलों में विलंब दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए दिन बहुत शुभ रहेगा। देखिए, देवी की जो उपासना है वो हर व्यक्ति अपनी श्रद्धा से और अपनी सामर्थ्य से करता है, जैसी उसकी श्रद्धा होती है, जैसी उसकी शक्ति होती है। लेकिन देवी की उपासना में एक तो सात्विकता बहुत जरूरी है, आप अपने आहार में सात्विकता जरूर रखें। और ये याद रखिए कि दीपक के बिना देवी की उपासना सामान्यतः संभव नहीं है। अगर आप देवी की पूजा में दीपक नहीं जलाते तो आपकी उपासना संभव नहीं होगी, क्योंकि देवी को शक्ति का, ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है और दीपक उसी का प्रतीक है, प्राण का प्रतीक है। इसलिए दीपक के बिना देवी की उपासना सामान्यतः संभव नहीं हो सकती। जिद्दी स्वभाव होना और अत्यधिक उदारता बहुत जेनरस राशि मानी जाती है, बहुत उदार राशि है, लेकिन कभी कभी ज्यादा उदारता भारी पड़ जाती है और स्वभाव के बड़े अड़ियल और बड़े जिद्दी भी होते हैं वृषभ वाले। ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है। भगवान शिव की अगर ये नियमित रूप से उपासना करें तो इनके स्वभाव में सुधार होता है और जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं।